किसानों के मुद्दे को लेकर जहां घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं इस मामले पर राजनीति जारी है। अब हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट भी सरकार को घेरने के लिए इस लड़ाई में कूद गया है, जिसको लेकर अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता चित्रा सरवारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने चार मांगे रखी हैं, जिसको लेकर फ्रंट जल्द ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। तीन अध्यादेशों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई में अब हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट भी कूद पड़ा है, जिसको लेकर आज अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता चित्रा सरवारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन अध्यादेशों को ध्वनि मत से पारित होने पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने किसानों के ध्वनि मत को नहीं सुना, जो कि बिल्कुल गलत है। चित्रा सरवारा ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट किसानों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेगा। एमएसपी को लेकर दुष्यंत चौटाला द्वारा दिलवाए जा रहे भरोसे पर भी चित्रा सरवारा ने सवाल उठाए हैं और कहा कल ये उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो वे इस शपथ के प्रति बाध्य नहीं होंगे। सरकार को एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा लाठीचार्ज के मुद्दे पर सीआईए द्वारा बचाव में लाठी चलाने वाले बयान पर भी चित्रा सरवारा ने इस दौरान जवाब दिया और कहा कि हमने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जहां किसानों ने पुलिस पर अटैक किया हो, बल्कि किसानों ने पुलिस को पानी जरूर पिलाया, जिसकी उन्होंने तस्वीरें देखी। निर्मल सिंह जी की अगुवाई में हमने उनके दिशा निर्देश अनुसार आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जहाँ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का स्टैंड और आने वाली हमारा जो फ्यूचर प्रोग्राम है, कुछ इस पर हमने चर्चा करी है। पीछे अभी संडे को हमने देखा कि जिस तरह से अध्यादेशों को पारित करा गया ध्वनि मत के साथ, और जो सड़क पर हजारों देश के किसान उतरे हुए हैं, उनके ध्वनि मत को इग्नोर कर दिया गया, उस ध्वनि मत से सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, ये गैर संवैधानिक था। और ये साफ दर्शाता है ध्वनि मत से वोट लेना कि इस भाजपा सरकार को, जिसके अपने एक तिहाई मेंबर थे सदन के अंदर, बाकी उनके गठबंधन के थे, उन्हें भी विश्वास नहीं था कि अगर बटन दबाकर वोट ले ली तो इस मत को पास कर दिया जाएगा। इसीलिए जहां उनके अकाली दल जैसे पुराने उनके साथी इस मुद्दे पर उनका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें भी पता था कि किसी को मंजूर नहीं, ना सड़क पे, ना खेतों में किसानों को, ना जनता को, ना उनके साथियों को। इसीलिए ध्वनि मत से असंवैधानिक रूप से ये मत पास कर दिया गया। हम कहते हैं ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या है। अब देश के पास और हर व्यक्ति के पास एक ही मौका बचा है इंसाफ का, वो है हमारे राष्ट्रपति। हम आने वाले दिनों में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आदरणीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन भेज रहे हैं। हर तरफ हमारी टीमें अपने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगी, जिसमें हम मुख्य तौर पे उनसे कुछ मांग कर रहे हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी उनसे ये है कि वो इस ये जो बिल उनके पास पास हो गया है, इस पे साइन करके इसे एक्ट नहीं बनाएंगे, वो इसे वापस भेजेंगे, वो इसमें कुछ सुझाव लागू करेंगे, कुछ संशोधन का वो करेंगे सुझाव, और साथ ही में वो इसे किस तरह पारित करा जाए इस माध्यम पर भी जोर देंगे कि दोबारा से ध्वनि मत में इस तरह का जो है अंधेर ना करा जाए जनता के साथ। हमारी कुछ मांगे हैं आज, उसमें मुख्य तौर पर है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि एमएसपी से नीचे किसी भी माध्यम से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर है, किसी भी माध्यम से एमएसपी से नीचे कभी भी फसल खरीदी नहीं जाएगी, ये लिखित में दे, जुबानी ना दे। और साथ में हमारी उनके साथ एक मांग और है कि जो क्वालिटी का निरीक्षण होएगा वो किसी थर्ड पार्टी से करा जाए, खरीदार आके किसान को ना बताए कि तेरी कितनी गीली है, कितनी सूखी है, थर्ड पार्टी निरीक्षण करा जाए। तीसरी डिमांड हमारी इसमें है कि जितना भी किसान फसल पैदा करे उसे उठा लिया जाए। चौथी डिमांड हमारी इसमें यह है कि जो इसमें शिकायत के माध्यम दिए हैं, इंसाफ का जो माध्यम दिया है, एसडीएम एक सशक्त माध्यम नहीं है। सालों से गन्ना मिलों से अपना बकाया लेने के लिए किसान एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है। और जो हमारा इसके अंदर है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय पर भी किसानों के साथ इस तरह का संवेदन जो हीन तो किसी भी तरह से इन्होंने कार्यक्रम ना करा जाए। और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह जी के शब्दों में एक मैसेज देना चाहता है, जो भी व्यक्ति किसानों के साथ और किसानी के साथ आज खड़ा है वो अपने आप को अकेला ना समझे। हमने अब तक किसानों के मुद्दे के साथ अपना साथ दिखाने के लिए उनके पीछे खड़े रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर एचडीएफ फ्रंट अपनी तरफ से आगे होकर सड़कों पर उतरकर, लोगों पर उतरकर इस प्रोग्राम को उठाएगा, चलाएगा। सत्ता जो है, राजनीति है, उससे दूर रहना मान लीजिए आज ज़रूरत हो सकती है किसान पक्ष के लिए अपनी बात की जो है उसका वजूद दिखाने के लिए कि ये कितनी उनकी जेन्युइन बात है, कितनी सच्ची बात है, लेकिन ये बदलाव का माध्यम राजनीति ही होता है। और सरकार अगर इस संशोधन को नहीं बदलेगी तो हम सरकार बदलेंगे, और हम इसी की लड़ाई अभी से लड़ेंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट यही मैसेज।
हमने कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें किसी किसान ने किसी भी पुलिस कर्मी पे किसी तरह का अटैक किया हो। ये तस्वीरें जरूर देखी कि वर्दी में गर्मी से परेशान जब पुलिस वाले खड़े थे तो किसानों ने अपनी बोतलों से उन्हें पानी पिलाया। ये जो वहाँ पे है ये कह रहे हैं CIA ने अटैक कर दिया, कहीं पे गृह मंत्री कह रहे हैं अटैक करने वालों की तो यूनिफॉर्म ही नहीं थी, कोई कह रहा है अटैक हुआ ही नहीं, कोई इनकी टीम का कह रहा है, इन्हीं पार्टी भाजपा पार्टी का कह रहा है कि इस अटैक की जांच हो। तो ये साफ चल रहा है कि अब ये जो मुद्दा है, ये जो घटना घट गई, इससे अपना पीछा छुड़ाना इनका मुश्किल हो रहा है अपनी साख बचाने के लिए। अब भाजपा और उनके सभी गठबंधन के साथी आज कोई ना कोई उपाय करने में लगे हैं। देखिए, शब्दों में कहने की क्या जरूरत है, कल ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, तो वो तो इस शपथ से बाध्य नहीं होंगे ना। वेरी सिंपल, जब हम इतनी सारी बातें इस बिल के अंदर लिख सकते हैं तो ये लिखने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम ये लॉ बनाएंगे जो MSP अनाउंस हो जाएगी उसके नीचे खरीद इलीगल है।